पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिसको जनता नहीं मानती, यह मानते हैं कि यह हमारा परिवार है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। यूपी के फतेहपुर जिले की जीएल रोड स्थित भाजपा कार्यालय में इंडिया गठबंधन की दिल्ली में चल रही रामलीला मैदान में रैली को लेकर देश विरोधी रैली बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। योजनाओं का बखान करते हुए सपा बसपा और कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार से युक्त बताते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने रामलीला मैदान की रैली को देश विरोधी बताया। हिंदू सहित हिंदुओं के देवी देवताओं के विरोध में रैली में इंडिया गठबंधन के लोगों के बोलने की बात बताई गई। भाजपा जिला अध्यक्ष मुगलाल पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दिल्ली की रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में हिंदुओं के देवी देवताओं के विषय में अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और देश विरोधी जनता को भड़काने के लिए काम किया जा रहा है, जो कि अति निंदनीय है। जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सभी भ्रष्टाचारी है, इसलिए डरे हुए है और संगठित होकर भाजपा के विरोध में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किन उद्देश्यों को लेकर रखी गई ये? अभी एक इंडी की एक रैली रामलीला मैदान ग्राउंड दिल्ली में हुई थी, तो वहाँ सभी इंडी के दल इकट्ठा हुए और वहाँ झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी पे लगाने का काम किया और हमने देखा बड़े घमंड के साथ अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करना है। इसलिए आज यह प्रेस हमें बुलानी पड़ी। कुछ सवाल आए कि भाई क्या ज्यादा भीड़ हो गई क्या, इसलिए प्रेस करना पड़ा। कुछ के जवाब देने हैं, कुछ के नहीं देने हैं, ऐसा लोग कहने के लिए आतुर हो रहे हैं। मेरा कहना है जो प्रेस हो रही है वह प्रेस इसीलिए हो रही कि यह जनता के सामने इतने बड़े मैदान में भ्रष्टाचार को भी सही साबित करने में लगे हैं। इसलिए यह बताना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ के देशवासी का एक एक पाई का हिसाब मैं इन भ्रष्टाचारियों से लूंगा और जो 140 करोड़ जनता हमारी है वो पहले इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिसको वह जनता नहीं मानती, यह मानते हैं कि यह हमारा परिवार है। यह परिवार का एक एक पाई का हिसाब हम इन भ्रष्टाचारियों से लेंगे, इसलिए यह प्रेस बुलाई गई। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।